हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ विकास, और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं पबजी से रिलेटेड। दरअसल पबजी आजकल बच्चों के बीच में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि इसके चलते बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है। पढ़ाई ले लो आप, या फिर डेली के जो भी टास्क होते हैं, अब स्पोर्ट्स वगैरह की बात करो या फिर और भी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ रहा है वो पड़ रहा है बच्चों की मेंटलिटी पर। मतलब बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। हाल फिलहाल में ऐसी ही कुछ नई चीज़ें हमारे सामने भी आई हैं। और अगर पिछले दिनों की बात करूं तो ट्विटर पर अभी ट्रेंड हो रहा था कि पबजी को इंडिया में बैन हो जाना चाहिए। तो इसी बारे में मैं आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, और थोड़े से मेरे ओपिनियंस भी दूंगा कि क्या एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चे के प्रति, और बच्चे को क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए इस बारे में। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, मैं आपके साथ ऐसी ही कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि मेरे इन फ्यूचर वीडियोस भी आपको इसी तरह से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेता हूं आपसे पबजी को लेकर के बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में एक पिछले महीने, मतलब पिछले साल की मैं बात करूं सितंबर में, एक ऐसा केस सुनने को मिला था जहां एक बच्चे ने अपने पापा की डेथ कर दी, मतलब मर्डर कर दिया। सिर्फ किस बात को लेकर के कि उसके पापा ने उसके फ़ोन में रिचार्ज नहीं कराया था ताकि वो पबजी खेल पाए। तो आप देख सकते हैं पबजी का मतलब कितना बुरा असर लोगों के दिमाग पर पड़ रहा है कि वो अच्छा बुरा देखते ही नहीं है। और दूसरे केस की बात करें तो वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में फिलहाल टेम्प्रेरी बेस पर पबजी को बैन कर दिया गया है। वहां पर एक 16 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया है पबजी की वजह से। हो सकता है उसके घर वालों ने उसको रोक टोक करी होगी, इसके वजह से घर वालों की बात को ना मानते हुए बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो मतलब कितनी बुरी बुरी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं इसी पबजी से रिलेटेड। तो ये तो रही बीते समय की बात, अब बात कर लेते हैं फिलहाल में क्या चल रहा है। तो फिलहाल में इंडिया में पंजाब की एक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर एक बच्चा था जिसकी उम्र 17 साल थी। इस बच्चे ने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से 16 लाख रुपए खर्च कर दिए सिर्फ इसी पबजी के चलते। अब कैसे खर्च किए पूरी स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पबजी के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आप लोग खरीद सकते हैं, वहां अलग अलग तरह की आपको स्किन्स मिल जाती हैं, गन मिल जाती हैं, और पता नहीं कितनी तरह की करेट्स वगैरह वहां पे मिलती हैं जो इन ऐप परचेज होता है, जिसका आपको आपकी रियल लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सिर्फ सारा पैसा आपका खर्च होकर के जाएगा पबजी कंपनी जिसने बनाया गेम उसके पास में। अब इस बच्चे के जो पापा थे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, घर पे नहीं रहते थे, मतलब कहीं बाहर उनकी पोस्टिंग चल रही थी। तो बेसिकली ये लड़का जो था 17 साल का अपनी मम्मी के साथ में रहता था, और इसके पास में जो एक्सेस था अकाउंट का, वो दरअसल 3 अकाउंट्स का एक्सेस था इसके मम्मी के फ़ोन के थ्रू, और उसी पे ये पबजी गेम खेलता था। तो गेम में जब भी इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो इसने बिना पूछे बिना कोई अपने मम्मी से डिस्कस किए वो चीजें खरीद ली। इवन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने टीममेट्स के लिए। मान लो मैं और गौरव खेलने लगे तो मैंने खरीदा, गौरव के लिए भी खरीदा, या और भी कोई लोग साथ में खेलते होंगे उन लोगों के लिए भी इसने खरीदा। इस तरह से करके इस लड़के ने पूरे 16 लाख रुपए खत्म कर दिए। अब वो जो बच्चा था इतना तेज था कि मतलब एक अकाउंट, दो अकाउंट, तीन अकाउंट उसके पास में थे, तो पहले अकाउंट से अगर उसने पैसा खर्च कर दिया है और उसके घर वाले इस चीज़ को ना देख लें कि पहले अकाउंट में पैसे नहीं है, तो दूसरे से पहले में ट्रांसफ़र कर दिए, दूसरे से तीसरे में। इसी तरह से वो चीज़ों को घुमाता रहा ताकि घर वालों को कभी भी किसी भी अकाउंट में अगर पैसा चेक करना पड़े तो उनको बराबर बैलेंस दिखे। इसके अलावा जो भी मैसेजेस आते थे ट्रांजेक्शन के वो उसी फ़ोन पर आते थे उसकी मम्मी के पास में था, उन मैसेजेस को वो डिलीट कर देता था सिंपली, और उसके मम्मी पापा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। पापा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने ये पैसे अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए खर्च करे थे, कई बार उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, उन चीज़ों के लिए बचा करके रखे थे। अब फाइनली एक पता चला है कि स्कूटर खरीदने के लिए उस लड़के के पापा को ज़रूरत थी, तो उस स्कूटर के लिए जब इन्होंने अपने बैंक अकाउंट को देखा, वहाँ उसके स्टेटमेंट निकलवाए, तो इन्हें पता चला कि इनके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है। टोटल 16 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। तो जब इन सारी चीज़ों का लड़के के घर वालों को पता चला, उसके मम्मी को पता चला, पापा को पता चला, तो उन्होंने कहा था कि हमने जो इसको फ़ोन दिया था वो सिर्फ इसलिए दिया था कि फ़ोन की हेल्प से ये अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। कुछ नई चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों में बच्चों को नहीं मिलती, इंटरनेट में मिल जाती हैं, उन चीज़ों को सीख सके। लेकिन इसने क्या किया, सारा कुछ जो भी था वो पबजी में गंवा दिया, सिर्फ पबजी पे बच्चा ध्यान देता था। तो अभी उसके घर वालों ने उस बच्चे के साथ में क्या एक्शन लिया है, उसको दरअसल एक स्कूटर रिपेयर की दुकान पे लगा दिया है कि अब तो यहाँ रह, काम सीख, चीज़ों को सीख, उसके बाद में खुद से पैसा कमा ताकि
तेरे को ये पता चल सके कि पैसे की वैल्यू क्या होती है और पैसा कैसे कमाया जाता है। अब मैं बात करूं मेरी क्या राय है इस सारे मैटर के ऊपर, तो देखो सबसे पहले मैं कहूंगा गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है। आप गेम खेलो लेकिन लिमिट में खेलो, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इतना आप गेम खेलो, पूरे दिन गेम में ही मत लगे रहो, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती हैं। ऐसा आपको नहीं करना कि पूरे दिन 6 घंटे हैं 7 घंटे, अभी स्कूल कॉलेज आपके बंद हैं तो आप और कुछ कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ गेम में लगे हो, ये कह करके अभी स्कूल की पढ़ाई नहीं चल रही है। और इसके अलावा मम्मी पापा की एक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने बच्चे पे नज़र रखें, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं उनके फ़ोन में लैपटॉप में कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों पे नज़र रखें। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जहां वो यूसेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा एक लिमिट में ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करे, मॉनिटर कर सकते हैं कि आखिर वो चीज़ें कर क्या रहा है। दूसरा चीज़ें मेरे हिसाब से क्या है कि आपको इंडोर गेम्स की बजाय, मतलब आप घर पे बैठ के जो ये पबजी वगैरह खेलते हो इसके बजाय ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा आउटडोर गेम्स पे ज़्यादा ध्यान दे। उससे आपका बच्चे का माइंड भी शार्प होगा, आपके जो आर्म्स हैं या आपके जो मसल्स हैं बच्चे के वो अच्छे से डेवलप होंगे, और मतलब काफ़ी सारे फ़ायदे हैं बाहर के गेम्स खेलने के। इवन अगर आप मोबाइल पे गेम खेलते हैं यहाँ भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा खेलकर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका गलत प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है और आपने पहले भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे। और पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने इस तरह की बैंक डिटेल्स वगैरह अपने बच्चों की पहुँच से दूर रखें। अगर आपका बच्चा मेच्योर नहीं है, उसको समझ नहीं अच्छे बुरी चीज़ों की, तो आप इन सब चीज़ों को उनसे दूर रखें ताकि वो कल को ज़रूरत पड़ने पर अपनी छोटे मोटे लालच के चक्कर में इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर आप एक छोटे बच्चे अभी मेरे ये वीडियो देख रहे हो तो भाई ऐसी चीजें मत करो, इनसे क्या होता है सारा पैसा आपके मम्मी पापा का वेस्ट होता है, आपको कुछ नहीं मिलता, आपके मम्मी पापा को कुछ नहीं मिलता सिवाय परेशानी के। और वो जो पैसा आपके मम्मी पापा ने जोड़ के रखा था वो आप ही के लिए था, कल आप ही के काम आना था, आपके स्कूल की फीस में काम आ सकता था, आपको कहीं जाना उसके लिए काम आ सकता था, या और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी शादी वगैरह उसमें वो काम आ सकता था। लेकिन जब आप उसे खर्च कर दोगे तो वो किसी भी यूज़ में नहीं आएगा। और अगर पबजी पे खर्च करते हो तो आपको पता है सीन क्या चल रहा है, सारा पैसा चाइना जाएगा और चाइना को तो हम लोग वैसे ही बायकॉट कर रहे हैं, तो इससे ज़रा भी बेनिफिट आप लोगों का नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मुझे बता सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे मजेदार वीडियोस इसी तरह से आपको रेगुलरली इन फ्यूचर भी मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।